तो गाइस अगर थाईलैंड की बात करें तो पेंडेमिक को एंडेमिक बनाने की शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। आप भी बिल्कुल देख रहे हैं, आज आपने न्यूज देखा होगा कि आज सीसीएसए की मीटिंग, और मीटिंग के अंदर यार बहुत ही यार तगड़ा सा कि जो डिसीजन आया है कि यार 1 जुलाई से आपको थाई पास की जरूर नहीं है, आपको इंश्योरेंस नहीं बनाना पड़ेगा। एंड कुछ न्यूज के अंदर यह भी लिखा है कि भाई मास्क की आपको जरूर नहीं पड़ेगी, बट आपको रॉयल गेजेट का वेट करना पड़ेगा। आई थिंक कुछ दिनों के अंदर रॉयल गेजेट आ जाएगा, उसके अंदर जब ये फाइनल हो जाएगा तब से ये रूल लागू होगा। तो ये होगा 1 जुलाई से। एंड जो भी आज डिटेल्स मेरे सामने आई है, जो भी मैंने न्यूज देखे, मैं आपसे शेयर करूंगा आज की वीडियो के अंदर। जो स्क्रीनशॉट है मैं आपसे जरूर शेयर कर दूंगा आज की वीडियो के अंदर। एंड गाइस ये बात तो पक्की है कि अभी थाईलैंड में आना बहुत ही आसान हो जाएगा, पहले से मतलब काफी आसान। एंड यार यहाँ पे आके मतलब फुल अभी मौज मस्ती, फुल एंजॉयमेंट, ट्रैवल सब कुछ बढ़िया सा होने वाला है नेक्स्ट मंथ से। एंड यार अगर थाईलैंड के बारे में कोई जानकारी चाहिए, कोई बात समझ नहीं आती है, कोई कंफ्यूजन है, तो बिल्कुल आप मेरे को बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, कमेंट करके जरूर बताना। एंड अगर डायरेक्टली मेरे से बात करना चाहते तो मेरा इंस्टाग्राम भी आपको नीचे शो कर रहा है, जाकर आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। मैं ट्राई करूंगा जितना मेरा नॉलेज है, जितना मैं जानता हूं आपसे शेयर करने के लिए। तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बैंकॉक बबल्स। कैसे हो आप सब लोग, मैं हूं आपका दोस्त आर्स। तो गाइस अभी मैं फिलहाल हूं थाईलैंड की कैपिटल सिटी बैंकॉक के अंदर। तो बेसिकली गाइस मैं रहता हूँ बैंकॉक में, एंड मैं काफी एरियाज में जाता हूँ रोज, मेरा काम से आसपास में मेरा घूमना रहता है, काफी लोग से मिलना रहता है। तो जो भी मैं माहौल देखा, जो मतलब जनरली अभी माहौल की मैं बात कर रहा हूँ, तो यार शॉपिंग के लिए अभी सब कुछ ओपन है, नाइट लाइफ का मतलब काफी सारा ऑप्शन अभी बैंकॉक में अवेलेबल है। एंड सून मतलब कुछ आगे आने वाले दिनों के अंदर आपको काफी सारे ऑप्शन आपको मिल जाएगा यहाँ पे। मतलब टूरिस्ट एरिया की बात करें, जैसे सुखुमवीत हो गया, प्रतुनाम हो गया, खौसन एरिया हो गया, काफी मतलब इंडियन टूरिस्ट है वहां पे। पटाया की बात करें तो पटाया के अंदर यार इंडियन ही इंडियन है। फुकेट की बात करें, क्राबी की बात करें, चेंगमाई की, कोह सामुई की, सारी सिटीज के अंदर मतलब नंबर ऑफ टूरिस्ट की बात करें तो इंडियन टूरिस्ट के मतलब जो संख्या है, नंबर ऑफ टूरिस्ट काफी ज्यादा है भाई। बट यार ये बात तो पक्की है कि यार काफी लोग यहाँ पे ट्रैवल करना चाहते हैं, बिकॉज यार 2-2.5 साल से यार लोगों ने ट्रैवल नहीं किया है। एंड थाईलैंड एक ऐसा एक लौता डेस्टिनेशन है जहां पे आपको सारी चीज एक ही जगह में आपको मिल जाती है बड़े अच्छे दाम के अंदर। तो यार काफी लोग यहाँ पे फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप प्लान कर सकते हैं, थाईलैंड में बिल्कुल आप आ सकते हैं। बहुत ही अच्छा माहौल है, सब कुछ नॉर्मल है यहाँ पे, मतलब कोविड का कोई ऐसा भी मेरे को तो ऐसा कोई डेंजर लग नहीं रहा है। तो आप भी बिल्कुल प्लान कर सकते हैं ट्रैवल करने के लिए थाईलैंड में। तो ठीक है गाइस, बात करते हैं आज के मेन टॉपिक के ऊपर कि यार क्या आज न्यूज आया है सीसीए की तरफ से। तो यार जो सीसीएसए है यहाँ का एक है मेडिकल बोर्ड, और वहां से ये लोगों ने आज जो न्यूज जारी किया है वो ये है कि 1 जुलाई से 2022 मतलब नेक्स्ट मंथ से यहाँ पे जब आप ट्रैवल करोगे आपके फ्रेंड्स फैमिली के साथ, ग्रुप के साथ, तो आपको थाई पास नहीं बनाना पड़ेगा। मतलब थाई पास के अंदर जो जो भी आपको डिटेल्स भर के आपको एक अलग से एक पेपर लेना पड़ता है। लोगों के मन में क्या आता है कि यार वीजा थाई पास क्या अलग अलग चीजें सेम है, तो दोनों चीज अलग है, अभी आपको अप्लाई करना पड़ेगा जो लोग अभी ये मंथ में अंदर आ रहे हैं। बट जो लोग नेक्स्ट मंथ से यहाँ पे आएंगे तो उनको तो खाली वीजा अप्लाई करना है, चाहे आप ऑनरेबल वीजा हो, चाहे आपके पास इंडिया से आपने स्टिकर वीजा लिया हो, दोनों वीजा बिल्कुल ले सकते हैं। बट मेन चीज ये है कि आपको थाई पास नहीं बनाना पड़ेगा, मतलब थाई पास के बिना आप यहाँ पे आप ट्रैवल कर सकते हैं। बिकॉज लास्ट 6 से 8 मंथ की बात करें तो आपको थाई पास एक बहुत ही बड़ी मतलब एक लोगों के लिए एक झंझट वाली चीज थी, बिकॉज सारा कुछ आपको अपलोड करना पड़ता था, काफी दिनों तक वेट करना पड़ता था, आपके पास वीजा है नहीं है वो चीज अलग है, बट थाई पास आपको बनाना पड़ता है, बिकॉज उसके अंदर आपको जो इंश्योरेंस डिटेल है, आपकी जो वैक्सीनेशन डिटेल है, सारी आपको अपलोड करनी पड़ती, उसके बाद में अप्रूवल आता था। बट अभी ये गवर्नमेंट ने सोचा कि धीरे धीरे बहुत सारे टूरिस्ट आ रहे हैं, एंड काफी मतलब नॉर्मल हो रहा है, ग्रीन जोन ये लोग कर रहे हैं। एंड यहाँ की नॉर्मल सिचुएशन की बात करें तो जैसे मैंने आगे आपको बताया कि बहुत मतलब नॉर्मल हो रहा है, यहाँ पे काफी सारे इंटरनेशनल टूरिस्ट यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हैं। नेक्स्ट मंथ से मतलब काफी लोग यहाँ पे आने के लिए एक्साइटिंग है, उनका बुकिंग भी रेडी है। तो यार आई थिंक गवर्नमेंट ने कुछ यही सोच समझ कर अच्छा सा डिसीजन लिया है राइट टाइम पे, कि टूरिस्ट को आने में जो अभी दिक्कत आ रही थी इंश्योरेंस बनाने में, थाई पास बनाने में, तो उसको डिक्रीज किया जाए, मतलब उसको कैंसिल किया जाए। तो यार फाइनली ये न्यूज आया है, बट ये न्यूज तब होगा फाइनल के जब ये रॉयल गेजेट के अंदर आ जाए, या कुछ 2-3 दिन के अंदर आई थिंक आ जाएगा रॉयल गेजेट के अंदर। साथ साथ में यार कुछ छोटी मोटी अपडेट्स ये भी है कि यार आपको 1 जुलाई से मतलब कुछ ऐसे प्लेस के अंदर आपको, जैसे ओपन प्लेस है उसके अंदर आपको मास्क नहीं पहनना पड़ेगा। तो यार बहुत अच्छी बहुत बड़ी बात हो गई, बिकॉज मास्क पहनना सच में यार मैं बोलूं यार मेरे को तो बहुत हेडेक लगता है, बिकॉज यार जो प्योर ऑक्सीजन मिलता है ना वो नहीं मिलता। जैसे कि हम नाइट लाइफ में जाते हैं, जैसे खौसन रोड हो गया, जैसे कोई क्लब में, मतलब कहीं पे भी हम बाहर जाते हैं घूमने के लिए, जब हमको फोटो क्लिक करना होता है, सेल्फी क्लिक करना होता है, घूमना होता है, मतलब एक अच्छी तरह से वो नहीं कर पाते, क्योंकि मास्क होता है वो थोड़ा मतलब हेडेक लगता है, राइट। तो मैं जो अभी न्यूज की जो सुर्खियों के अंदर देखा तो यार मास्क को भी हटाने वाली बात मेंशन की है। तो देखो फिर आगे न्यूज के अंदर क्या फाइनलाइज होता है, रॉयल गेजेट के अंदर आ जाएगा। एंड साथ साथ में जो मेरे को जो बड़ी बात लगी कि चलो थाई पास तो कैंसिल हो गया, तो उसके साथ में लोगों के मन में ये मतलब ख्याल होगा तो चेकिंग क्या होगा, मतलब एंटरिंग का क्या प्रोसेस होगा। तो प्रोसेस यही होगा,
कि जैसे कि आप थाईलैंड में आओगे, जैसे आपका होटल बुकिंग चाहिए, जो नॉर्मल पहले चाहिए था वो तो जरूरी है। और मैं तो अभी भी आपको बता रहा हूँ कि जब भी आप मतलब थाईलैंड में ट्रैवल करने का प्लान बनाते हो, आपका जो होटल बुकिंग है वो कंफर्म करो, आपका आइटनरी रेडी रखो, आपके साथ जो शो मनी अमाउंट होता है वो भी आपके पास रखो। तो जब भी आप इमिग्रेशन में जाओगे, आपको कोई भी सवाल आज पूछेगा तो वहां पर बिल्कुल आप शो करके आपका वीजा इजीली आप ले सकते हो। और जो भी ऑनरेबल वीजा लेना चाहते हैं, इंडिया से अप्लाई करना चाहते हैं, तो भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके लिए दोनों दरवाजे बिल्कुल ओपन है वीजा के लिए। तो मेन पॉइंट तो यही था कि जब आप आओगे तो यहाँ पे जो आपका नॉर्मल आई थिंक स्क्रीनिंग किया जाएगा, एंड उसके बाद में आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अगर मांगा तो आपसे मतलब आपको शो करना पड़ेगा कि आप फुल्ली वैक्सीनेटेड हो। अगर वो आपके पास नहीं है तो आपके पास होना चाहिए प्रोफेशनल एटीके टेस्ट, जिसके अंदर मतलब एक ऑफिशियल एक पेपर आता है उसके अंदर लिखा होता है कि आपका कोविड नेगेटिव है, आपने एटीके टेस्ट किया है, वो आपके पास होना जरूरी है बिफोर 72 आवर। अगर वो भी नहीं है तो आपके पास होना चाहिए आरटीपीसीआर टेस्ट। मतलब एंटरिंग का जो फर्स्ट प्रोसेस है यही होने वाला है कि आपके पास होना चाहिए सबसे पहले वैक्सीनेटेड सर्टिफिकेट, फुली वैक्सीनेटेड। अगर वो नहीं है तो आरटीपीसीआर, अगर आरटीपीसीआर भी नहीं है तो आपके पास होना चाहिए एटीके टेस्ट बट प्रोफेशनल, राइट। तो अभी आपको समझ में आ गया कि थाईलैंड में आना भी काफी आसान हो गया है, मतलब पहले के मुकाबले अभी काफी आसान होने वाला है। अगर अभी की बात करें तो अभी भी यार बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, लोग आ रहे हैं, भर भर के फ्लाइट आ रही है, लोग एंजॉय कर रहे हैं फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ, बच्चों के साथ, बढ़िया सा लोग एंजॉय कर रहे हैं यार अभी भी। तो नेक्स्ट मंथ से तो और भी अच्छा हो जाएगा, राइट। एंड यार दूसरी एक मेन बात बताना मैं भूल गया कि यार लोगों के मन में पहले जो बड़ा कंफ्यूजन था इंश्योरेंस के बारे में, बिकॉज लोग पूछते थे यार इंश्योरेंस कहाँ से लूँ, कौन सी कंपनी का लूँ, अप्रूव होगा कि नहीं होगा, उसके अंदर क्या क्या मेंशन होना चाहिए। तो देखो भाई, ट्रैवल इंश्योरेंस आप लेके आ सकते हो, आपका मर्जी है, बट आज का जो न्यूज के अंदर मैंने एक चीज देखी कि थाई पास आपको नहीं बनाना है तो उसके साथ में जो इंश्योरेंस आपको मतलब अपलोड करना पड़ता है, आपको इंश्योरेंस बाय करना पड़ता है, चाहे थाईलैंड से चाहे आपकी कोई भी कंट्री से आपको बाय करना पड़ता था थाईलैंड में आने के लिए, थाई पास बनाने के लिए। बट अभी जो आज के जो न्यूज के अंदर जो मैंने देखा तो वहां पे आपको जो 10,000 USD का जो एटलीस्ट था मतलब जो कोविड कवरेज का, वो आपको नहीं लेना पड़ेगा, मतलब आप बिना इंश्योरेंस के यहाँ पे आ सकते हैं। बट के सेफ्टी के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर आप खुद आप इंश्योरेंस बाय करके आना चाहते हैं, मतलब लेकर आप आना चाहते हैं तो बिल्कुल आ सकते हैं, ट्रैवल इंश्योरेंस लेके आइए तो आपके मतलब सेफ्टी ज्यादा रहेगा। अगर कुछ आपके साथ में ऐसी कोई घटना होती है, आई होप कि ऐसी ना हो, बट ऐसी कोई घटना होती है तो आपके पास अगर इंश्योरेंस है तो आपको बहुत काम आ जाएगा, राइट। तो बस यार यही मेन पॉइंट है आज की वीडियो के अंदर, के जो आज मैंने न्यूज के अंदर देखे, शायद आपने मेरे से पहले भी देख लिए होते, बट तो काम है आपसे वीडियो बनाकर शेयर करना, जो भी थाईलैंड की इन्फॉर्मेशन है, जो भी मतलब कुछ नई चीजें आपसे शेयर करना, वो तो मेरा फर्ज बनता है ना। बीच में एक बात बताना तो भूल गया आपकी फेवरेट नाइट लाइफ के बारे में, तो मेरे भाई अभी जो ग्रीन जोन ये लोग कर रहे हैं, मतलब जितने भी थाईलैंड में प्रोविंस है सबको मतलब धीरे धीरे ग्रीन जोन कर देंगे। एंड नेक्स्ट मंथ का मतलब आज मैं न्यूज के अंदर देखा जो एक लाइन के अंदर कि नेक्स्ट मंथ से ये लोग जितने भी वेन्यूज है, जो नाइट लाइफ के वेन्यूज, बार क्लब, जो बड़े बड़े छोटे छोटे जो भी है, मतलब सबको अलाउ कर देंगे, जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं उनका बार क्लब का, वो लोग बिल्कुल मतलब फुल्ली रीओपन करके उनका बिजनेस रन कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल फर्स्ट क्लास रेडी हो जाइए थाईलैंड में ट्रैवल करने के लिए, यहां पे आकर आप बिल्कुल अच्छे से नाइट लाइफ एंजॉय कर सकते हैं, वो भी मिड नाइट तक। तो बहुत बड़ी बात हुई गाइस, बिकॉज हमारे जो भी भाई है वो रात को सोना पसंद नहीं करते थाईलैंड में आने के बाद। जो भी आपके मन में जो ख्याल है थाईलैंड में जो रिलैक्स होने का, एंजॉयमेंट करने का, नाइट लाइफ का, बिल्कुल आप कर सकते हैं नेक्स्ट मंथ से बढ़िया तरीके से। तो ठीक है गाइस, आज वाला वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करना तो भूलना ही मत। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं और एक नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक बाय बाय, सी यू, गुड नाइट।